हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप टेक टुडे में। दोस्तों आप भी अगर घर पर एक स्टैंड बनाना चाहते हो मोबाइल को यहाँ पर माउंट करने के लिए और आपको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं मिल रहा, तो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ एक ऐसा आइडिया जहाँ जिसके हेल्प से आप घर पर एक माउंट करने के लिए एक स्टैंड बना सकते हो। ठीक है ना, अच्छा खासा है, टिकाऊ है, बिना पैसों के आप पर आपको जीरो कॉस्ट में ये घर पर आप बन जाएगा। ठीक है ना, तो इस वीडियो में ध्यान से देखिएगा। मैं दोस्तों अपनी जो वीडियो होती है उससे भी शूट करता हूँ। ठीक है ना, मैंने अलग से कोई भी स्टैंड परचेज यहाँ पर नहीं किया हुआ है, तो मैंने वो कैसे बनाया है, क्या क्या चीज़ मैंने मेटेरियल यूज़ किया है, तो आप इस वीडियो में देखिए। तो यही वो सेल्फ स्टैंड है जिससे हम अपनी जो वीडियो है उसको शूट करते हैं। ठीक है ना, अच्छी खासी हमको यहाँ पर माउंटिंग मिल जाती है। तो ये मैंने कैसे बनाया है वो आप ध्यान से देख लीजिए। तो ये दोस्तों एक बेसिकली सेल्फ स्टिक है। ठीक है ना, जो आपको मात्र 50 रुपये में या 100 रुपये में जो भी है चीप रेट इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना, और आपके पास आई होप कि ये होगी ही, तो इसको आप एक परचेज नहीं हो तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको ये माउंटिंग मिल जाता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पर ऊपर वाला आपके पास में ये मिल जाता है तो इसके अंदर आप इसको अटैच कर लीजिए। ठीक है ना, तो मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पर एक पाइप ले रखा है और पाइप है नीचे, मैंने एक बाल्टी ले करके उसको माउंट किया है मिट्टी में भर करके। ठीक है ना, अच्छे खासे ये देखो माउंट हो गई है। मैं इसको उठा भी लूँ तो भी ये निकलने नहीं वाला है। ठीक है ना, तो अच्छी तरह से मैंने इसको इसके अंदर से अटैच कर लिया है। ठीक है ना, और ऊपर अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं ये सेल्फ स्टिक जो भी है इसके अंदर डाल लेता हूँ। उसके बाद में मुझे यहाँ पर साइज़ भी इसकी अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है ना, अगर मैं जितने भी साइज चाहूँ इसकी लंबी यहाँ पर कर सकता हूँ, देखिए। और मेरे ख्याल से हम जो मोबाइल माउंट करते हैं वो उसकी हाइट जो भी है उतनी चाहिए होती है, इतनी तो हाइट कोई लेता भी नहीं है। ठीक है ना, तो हम अपने अनुसार आवश्यकता अनुसार इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और इसको बनाने के लिए आपको मात्र सिर्फ ये सेल्फ स्टैंड या ऊपर वाला जो आप ये माउंटिंग करने के लिए लेने जाओगे इसकी सिर्फ आपको कॉस्ट लगने वाली है, बाकी जो ये चीज़ है आपको मेटेरियल घर पर आराम से मिल जाएगा। तो इसकी हेल्प से आप अच्छे खासे अपने यहाँ पर वीडियो शूट कर सकते हो। दोस्तों मैं इसको यूज़ करता हूँ, और दोस्तों वीडियो शूट करते वक्त किसी भी प्रकार की यहाँ पर कोई भी हलचल यहाँ पर नहीं होती, अच्छी खासी यहाँ पर इससे स्टेबिलिटी मिल जाती है मुझे। तो आप भी ऐसा ही कुछ स्टैंड बना सकते हो अगर आप शुरुआत में यूट्यूब के लिए या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाते, तो ये आपके लिए बेटर होगा। ठीक है ना, तो दोस्तों स्टार्टिंग में आप भी अगर यूट्यूब के लिए या किसी अन्य प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो बनाना चाहते हो और एक स्टैंड खरीदने की सोच रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसा स्टैंड अपने घर पर बना लीजिए। अभी आप नए हैं तो आप बिल्कुल भी उसके लिए पैसा खर्च मत कीजिए। ठीक है ना, अब जब आपका चैनल है या यूट्यूब के लिए काम कर रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, उस पर थोड़ी इनकम जनरेट हो जाएगी। ठीक है ना, या फिर थोड़ा बहुत अपना फैन बेस बढ़ जाएगा, उसके बाद में आप जो भी स्टैंड होता है प्रोफेशनल वो परचेज कर सकते हो। लेकिन अब नए हो, अगर आपके पास में एक्स्ट्रा पैसे तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में पैसों की कमी है उसके बावजूद भी आप खरीदने की सोच रहे हो, तो आप ऐसा ही मैं सजेस्ट करूंगा कि स्टैंड आप घर पे बना लीजिए। आई होप कि आप दोस्तों इस वीडियो में मुझे आया होगा। अगर मुझे आया तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। दोस्तों ऐसी कमाल धमाल की वीडियो मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। ठीक है ना, आपके पास भी ऐसा कोई क्रिएटिव आइडिया है, आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो हमें कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए ऐसे वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।